है फुरफुरी नगरिया तू देख बबुआ। समोसे इसे और धीरज नहीं धरा जाता। समोसे 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 को देखना बंद करो और ये न्यूज सुनो। करोड़पति बिजनेसमैन सिंघानिया साहब को अपने बच्चों के लिए एक ट्यूशन टीचर चाहिए। जाओ अब तुम ट्यूशन पढ़ा के पैसे कमाओ और मैं बैठ के समोसे खाऊंगा। ओके मोटू, इससे पहले कि कोई और वहाँ पहुँचे मैं जाता हूँ। चाय वाले भैया जल्दी से समोसे दो, अब पतलू ने नौकरी कर ली है, पहली सैलरी मिलते ही उधार चुका दूंगा। अरे पहली सैलरी मिलने के बाद ही उधार दूंगा। हाँ आइए पतलू सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, दिवाली की छुट्टियों के बाद ही मेरे बच्चों के एग्जाम हैं, लेकिन दोनों बहुत शरारती हैं। पढ़ने लिखने में उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। उनकी क्लास टीचर ने कहा है कि अगर मैंने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया तो वो इस बार एग्जाम में फेल हो जाएंगे। साहब को बच्चों को पढ़ाने के लिए टाइम नहीं मिलता, इसीलिए वो उनकी ट्यूशन रखना चाहते हैं, लेकिन बच्चे हैं कि पढ़ना ही नहीं चाहते, इसीलिए जो भी पढ़ाने आता है उसे तंग करके भगा देते हैं। तंग करके क्या मतलब? मतलब वो देखिए, वो आदमी जा रहा है ना, उसने यहाँ सिर्फ दो ही दिन पढ़ाया है और उसका ये हाल हुआ है। ऐसे खतरनाक बच्चों को मैं नहीं पढ़ा सकता। आप चिंता न करें, मैंने बच्चों को समझा दिया है, अब वो किसी को तंग नहीं करेंगे। आइए मेरे साथ। ये मेरा बेटा बंटी है और ये पिंकी। बच्चों प्लीज ध्यान लगा के पढ़ना, और अगर तुमने इनको तंग किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं फिर भी नहीं भागूंगा। चलो खोलो किताब। लेकिन सर अब आप बैठेंगे कहाँ? अब तो टेबल भी नहीं है। सर इस कुर्सी पे बैठेंगे। और तुम लोग अब चुपचाप पढ़ना, वरना साहब से शिकायत कर दूंगा। रामू काका एक ग्लास पानी दे दीजिए प्लीज। पानी कैसे पिएंगे? उसके लिए हाथ तो चाहिए। अरे मेरे हाथों को क्या हुआ? ये क्या कर दिया? रामू काका तुम भी इन बच्चों से मिले हो? छुट्टियों में बच्चों को पढ़ाओगे तो यही तो होगा। कुर्सी में ग्लू लगा के मुझे चिपका दिया। मैं देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा। अरे पतलू क्या हो गया? बहुत शरारती है वो, मैं वह नहीं पढ़ा सकता, नहीं पढ़ा सकता, नहीं पढ़ा सकता। इतनी अच्छी नौकरी थी, लेकिन बच्चे तो बच्चे, बूढ़ा रामू काका भी उनके साथ मिला है। हम किसी से ऐसे हार नहीं मानेंगे, चलो इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मिल के उनका मुकाबला करेंगे। Thank you.
अब मैं आ गया हूँ। इन सब तरकीबों से कुछ नहीं होगा। हम इस रस्सी से फंस के गिरने वाले नहीं, कुछ और नया आइडिया सोचना होगा। मैं बच गया। ये आइडिया नया है। तुम लोग कुछ भी कर लो, हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। तुम लोग अब शराफत से पढ़ो, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो फिर रोना मत, समझे? पतलू अब कोई खतरा नहीं, पढ़ाना शुरू करो, मैं बच्चों के साथ बैठता हूँ। घंटी बजाना मना है। अरे क्यों मना है, मैं तो बजाऊंगा। वो क्या है? वो आटा है। ये ट्रेन कहाँ जा रही है? आटा पिसाने। कुछ गड़बड़ है, कुछ तो होने वाला है। अरे तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। नहीं पढ़ाऊंगा। ये कितनी भी शरारत करे, हम यहाँ से नहीं भागेंगे। इन्हें पढ़ाने की जो जिम्मेदारी हमने ली है वो पूरा करके ही जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ पतलू। रामू काका, अब हम आपकी कुर्सी टेबल पे नहीं बैठेंगे। हम अपनी चेयर और टेबल लाए हैं। रामू काका तुम भी क्लास में बैठोगे, ताकि कोई भी शरारत में बच्चों का साथ ना दे सको। जय हो। अब मैं तुम बच्चों की किसी शरारत में साथ नहीं दूंगा। तुम दोनों शेर हो तो ये मास्टर सवा शेर है। बच्चों, जब कोई दूसरा गिरता है तो हम देख के हंसते हैं, वैसे ही जब एग्जाम में फेल होंगे तो दूसरे बच्चे तुम पे हंसेंगे। कभी दूसरों को अपने ऊपर हंसने का मौका नहीं देना चाहिए। मोटू पतलू सर, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपने पूरी छुट्टी मेरे बच्चों को पढ़ाया। यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा। आपके बच्चे शरारती तो हैं, लेकिन इंटेलिजेंट भी बहुत हैं। इनको पढ़ाने में हमें बहुत मजा आया। ये हमारी तरफ से चॉकलेट पिंकी और बंटी के लिए। हमें भी आपसे पढ़ने में बहुत मजा आया। पता ही नहीं चला छुट्टियाँ कब खत्म हो गई। हम एग्जाम के लिए तैयार हैं। हाँ, हम इस बार क्लास में फर्स्ट आएंगे। ये हमारी तरफ से मोतीचूर के लड्डू।
लड्डू मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं।